सो कल ऐलाने जाणगे पंजाब विधानसभा चोणां दे नतीजे। आखिरकार जो पंज सूबयां दे विच विधानसभा चोणां होईयां ने उस नूं लै के कल दे दिन दा इंतजार बेसबी नाल कीता जा रहा है। 10 मार्च नूं सवेरे 8 बजे वोटां दी गिणती दा काम शुरू होवेगा। नतीजिआं तों पहलां उम्मीदवारां दे दिलां दीआं धड़कणां जरूर वधीआं होईयां ने। दस दे कि पंज सूबयां विच विधानसभा चोणां होईयां जिस दे तहत हुण चोण नतीजिआं दा ऐलान जिहड़ा है उह कल होना शुरू होएगा, जदों की गिनती शुरू होएगी। 10 मार्च को सवेरे 8 बजे तो वोटों की गिनती का काम शुरू होएगी और इन चोन नतीजों से पहला उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन जरूर बढ़िया हुई हैं। 1304 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला पंजाब की जनता कल जो कर चुकी है उसके बारे खुलासा होएगा। सब तो पहला पोस्टल बैलेट राही पाइया वोटों की गिनती होगी। 14 राउंड्स के वोटों की गिनती का काम शुरू जोड़ा है वो मुकम्मल होगा। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सुरक्षा का भी सख्त जोड़ा इंतजाम किया गया, सख्त पैरा नजर आ रहा। दस दिए कुल पांच विधानसभा चोणा सूबे विधानसभा चोणा हुई ने जिन्हों में पंजाब भी शामिल है और इस लैके जो 20 फरवरी को वोटा पीवीएम के तमाम उम्मीदवार की किस्मत कैद थी। कल यह पिटारा खुलेगा और उस तो बाद चोन नतीजों का ऐलान होगा और साफ होगा कि सूबे की जनता ने किसके हक के फतवा दिता है। और इस दरमियान हूं क्योंकि अखीरले कुछ घंटे ने तमाम उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन इस वे बदिया हुई ने। कुल 1304 उम्मीदवार जिन्हों की किस्मत का कल फैसला होगा जो कि पिटारा खुलेगा। सब तो पहला पोस्टल बैलेट राही पाइया जो वोटा ने उन्होंने गिनती होगी। फिर कुल 14 राउंड्स के वोटों की गिनती का काम मुकम्मल होगा जिस तो बाद तस्वीर साफ होगी, नावों का ऐलान होगा कि किड़ा उम्मीदवार कितों जितने कामयाब रहा। सो काउंटिंग सेंटर से बाद सुरक्षा का सख्त पैरा जो पहला ही किया गया से जिथे कि स्ट्रोंग रूम से ईवीएम मशीन रखी गई सन इतने हूँ फिलहाल होर भी सख्त पैरा नजर आ रहा। रविंदर मीत गल कर दिया रविंदर जिथे कि लगातार मेहनत तमाम उम्मीदवार वालों उन्होंने वर्करा वालों की गई आखिरकार किसकी मेहनत रंग लियाई है यह कल साफ होगा जो सवेरे 8 बजे पिटारा खुलेगा। कि कुछ फिलहाल इस लैके माहौल से इंतजाम नजर आ रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल 24 घंटों का समा बाकी है। कल ठीक इस समय जी काउंटिंग शुरू हो जाएगी, वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उस तो पहला जिस तरीके तुम भी कहा कि जो उम्मीदवार ने उन्होंने दिलों दिया धड़कन तेज ने, सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं कह सकते हैं अफसरशाही पंजाब के लोग सब दिन निगाह इस पर टिकिया हुई ने तो सब दिन दिलों की धड़कन तेज ने कि आखिरकार पंजाब सत्ता किसकी होएगी। तो इस लैके लगातार जोड़ा पंजाब अज एक ही सवाल चल रहा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कल नूं सवेरे 8 बजे तो बाद ये साफ होना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार पंजाब ते कौन राज करेगा, अगे सत्ता किसकी होएगी। उस तो पहला दी तस्वीरां दिखा दिंदे हां। इस समय असी मोहाली खेड भवन खड़े हुए हां जिथे जिहड़े स्ट्रोंग रूमां दे विच ईवीएम मशीनां नूं रख्या गया अते उस नूं लैके सिक्योरिटी जिहड़ी बड़ी टाइट कीती गई है। 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई है, CISF लगाई गई है, इस तों इलावा पंजाब पुलिस जिहड़ी इत्थे लगाई गई है। तां तस्वीरां देखो, इस ये पहली लेयर हैगी है जिस तो अगे अंदर मशीन जिहड़ियां स्ट्रोंग रूमां दे विच रखी गई हैं। इस तरीके का पूरे पंजाब दे विच सनैरियो बनिया होया। उम्मीदवारां दी किस्मत इन्हां ईवीएम मशीनां दे विच बंद हैगी आ, लेकिन इंतजार हैगा क्योंकि बड़ियां औखियां घड़ियां हो जांदियां क्योंकि ये बहुत थोड़ा समा जिहड़ा हैगा वो बाकी हैगा काउंटिंग दे विच। इस नूं लैके लगातार कयास रहीआं लगाईआं जा रहीआं कि सत्ता हर पार्टी कह रही है कि साडी होवेगी, असीं राज करांगे, साडी सरकार बनेगी। लेकिन फिर तो उही गल कि ईवीएम मशीनों के पंजाब का फतवा जिहड़ा वो बंद हैगा, कल खुलेगा। लेकिन उस तो पहला जिहड़ा दावा जरूर किया जा रहा, हालांकि एग्जिट पोल जिहड़े आए ने वो एग्जिट पोलों के जिहड़ा हैगा बहुत सारिया चीज़ां दसियां गईआं, लेकिन कुछ पार्टियां जिहड़ियां उत्साहित ने ते कुछ पार्टियां संजम तो काम लै रही ने, आराम नाल कह रही ने कि नतीजे आउण तो नतीजे तो बाद पता चलेगा कि आखिरकार किस दे नाम का फतवा दिता। लेकिन फिर तो उही गल कि फतवा जिहड़ा हैगा लोकां ने दे दिता है। बिल्कुल फतवा दे दिता है, वोटिंग हो चुकी है, इंतजार जिहड़ा है कल दे दिन दा जदों पिटारा खुलेगा रविंदर ते उस तो बाद तस्वीर साफ होनी शुरू होएगी है। जदों असीं एग्जिट पोल दी असीं गल कर रहे हां, हालांकि इस तो पहलां भी कई बार जदों चोणां होईयां ने भावें विधानसभा होण लोक सभा होण एग्जिट पोल हमेशा ही सामने आउंदे ने, लेकिन पिछली कई बार तुसीं देखिआ कि इह तस्वीर बिल्कुल उलट, नतीजे बिल्कुल उलट सामने आउंदे ने। अजे विचकार यकीनन इंतजार करना पएगा, लेकिन इस दी किन्नी कु ऑथेंटिसिटी है या किन्नी कु पुख्ता इह एग्जिट पोल रहिंदे ने इह वी कल साफ होना शुरू हो जाएगा। और अजे विचकार तमाम क्योंकि ये जड़ा समा रहा है पिछले कई दिनों तो लगातार हर कोई मंथन करता होया अपनी कुछ ग्राउंड लेवल ते तमाम जड़े उम्मीदवार ने वो भी पता लगाउण दी जरूर कोशिश करते नजर आए होंगे।
बिल्कुल जाहिर जी गल है, क्योंकि जिहड़ा एग्जिट पोल हैगा, एग्जिट पोल एक तरीके दे नाल एक अनुमान हैगा। बथेरियां पार्टियां जिस तरीके नाल मैं पहला भी किया अति उत्साहित देख रही हैं, ओवर कॉन्फिडेंट भी देख रही हैं, लेकिन पंजाब की हिस्ट्री के ध्यान दईए तो हिस्ट्री के बहुत सारिया चीज़ा साफ होंदियां ने। 2012 दे विच कांग्रेस ने जश्न तक मना ले लाए सन, कैप्टन अमरिंदर सिंह दे 10 सैक्टर के घर विच जिहड़ा बहुत सारे आईएएस ऑफिसर पहुँच चुके सन, लेकिन उस तो बाद फतवा की आया। लेकिन उस तरीके 2017 विधानसभा चोणां की गल करिए, आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रही थी, 100 सीटों का दावा कर रही थी, लेकिन जब फतवा आया तो फिर नतीजे हैरानीजनक रहे। एग्जिट पोल ने 70-80 सीटा तक दे दित्तियां सी, आम आदमी पार्टी 100 सीटा क्लेम कर रही थी। 2012 दे विच कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि साड़ी सरकार बन जाएगी, लेकिन फतवा लोगों ने किसी होर का नाम दिता। तो इतिहास की नज़र मारीे तो इतिहास हमेशा ये जो कहता आया कि राजनीतिक बड़ी तिलकनबाजी हैगी, कुछ भी हो सकता किसी भी समय, आखिरी समय के रुझान बदल जाते हैं तो नतीजे कुछ होर आते हैं। तो ये हाले तकर सियासी माहर भी यह गल कहते हैं कि सियासी पार्टियां संजम के नाल काम लेना चाहिए, शांति के नाल काम लेना चाहिए। कई बार ओवर कॉन्फिडेंट जिहड़ा हैगा, ओवर कॉन्फिडेंस वो गलत भी साबित हो जाता, कई बार नतीजे कुछ होर आ जाते हैं। तो देखो आखिरी जिहड़ा हैगा जिहड़ा नतीजा हैगा वो कल आना 10 मार्च में पता चलेगा, लेकिन क्यास रही लगातार हर पार्टी कर रही है। सियासी जिहड़ा हैगा एक हक बनता है कि सारिया पार्टियां कहन कि साडी जित होएगी, लेकिन नतीजा तो 10 मार्च में आना, यानी कि कल सवेरे 8 बजे तो बाद शुरू होना। तो उस नतीजे विच किस दे नाम दा फतवा पंजाब दे लोकां ने दिता है वो कल ही पता चलेगा, लेकिन हाल फिलहाल एक सिर्फ क्यास राइयां ने, क्यास राइयां कुछ बिल्कुल क्यास राइयां दा दौर जिहड़ा है वो हमेशा ही चलता रहिंदा है। बहरहाल वो हुण क्यास राइयां किस दियां सही बैठदियां ने, किन्ने कु एग्जिट पोल सटीक बैठदे ने और किहड़े उम्मीदवार दा दावा सही साबित हुंदा है, इस दे लई कल तक दा इंतजार यकीनन करना पएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर फिलहाल दी सारी गलबात और जानकारी लई। सो बहरहाल इंतजार जिहड़ा है वो हुण कुछ घंटियां दा, क्योंकि कल इस वेले रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसकी भी पल पल की जानकारी पीटीसी न्यूज से तुहानू असीं सारा दिन भर दिखावांगे।